उट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्राम यूमल फर्स्ट एड और हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज ब्रेस्ट को कवर करेंगे सो ब्रेस्ट का टॉपिक में अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द नॉर्मल ब्रेस्ट आपको पता होना चाहिए जो नॉर्मल ब्रेस्ट है उसके अंदर क्या क्या होता है देन यूल नॉर्मल वन राइट सो so, नॉर्मल के अंदर आपको बाहर पता होना चाहिए इनिशियली निप्पल होता है एरियोला होता है फिर इसके जो पीछे डक्स होती हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी हाई सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डग जा रही है दैट इज लेक्टिफेरस ओके दैट इज लेक्टिफेरस डक्ट और यहाँ पे लेक्टीफेरस साइनस होते हैं ये जो सॉरी सी डायलेशन है दैट इज लेक्टिफेरस साइनस सो वी हैव द लेक्टिफेरस डक्ट और लेक्टिफेरस ड्रग जहाँ पे पहुंचती है वो क्या है दैट इज अ लोब लोब के अंदर लोब्यूल्स होते हैं ओके सो लोब है लोब के अंदर हैं सो वी हैव हैव दिस डक्ट एंड एंड मल्टीपल हैल्टीपल देन उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल पार्ट है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट होता है जो कि इसको एक सिमिट्री मेंटेन करता है दैट इज स्ट्रोमा ये स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है ओके सो स्ट्रोमा गिव द स्ट्रक्चरल सपोर्ट राइट सो वी हैव द फंक्शनल पार्ट फंक्शनल पार्ट मैंने आपको दिखा, दिखा दिया लेक्टिफेरस डक्ट है और उसके अलावा लोब्स हैं लोब के अंदर लोब्यूल हैं राइट और हमारे पास स्ट्रक्चरल पार्ट है दैट इज इज स्ट्रोमा देयर अ फैट जो यहां पे प्रेजेंट होती है सो so, अगर आप इसको हिस्टोलॉजी में देखो तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए दैट इज अ लोब्यूल व्हिच यू कैन सी इन द हिस्टोलॉजी एंड लोब्यूल्स हैव द एसीनाय लोब्यूल्स के अंदर एसिन प्रेजेंट होते हैं और लोब्यूल्स होते हैं और दिस इज अ टर्मिनल डक्ट सो दिस इज अ टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर सिस्टम अगर आप जो ये डक्ट है ना इस डक्ट को अलोंग विद ये लोब को इतने से पोर्शन को लेते हैं ना कि उसमें थोड़ी सी डक्ट का पोर्शन आता है एंड वाला ओके okay? आपने देखा था डक्ट बड़ी थी लेक्टिफायरस तो यहां से शुरू हो रही है लेकिन अगर एंड से आप थोड़ा सा पोर्शन डक्ट का लेते हैं और साथ ये लोब्यूल लेते हैं तो ये क्या बनाता है टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट मतलब इसमें लोब है और साथ डक्ट है सो so, लोब्यूल इसमें है ऐसी ना है और टर्मिनल डक्ट है ये आपके पास एक सब यूनिट बन जाता है आप यहाँ पे भी देख सकते हो टर्मिनल डक लोब्यूलर यू, यूनिट को कि आप देखते हो कि यहाँ पे ये वाली पूरी डक्ट है ओके पूरी डक्ट है लेकिन जो आपके पास टर्मिनल डक और ये लोब्यूल है और अगर इतना पार्ट डक्ट का ले लो और साथ लोब्यूल को मिला दो डक्ट का पार्ट और लोब्यूल बनाएगा क्या आपके पास टर्मिनल डक लोब्यूलर यूनिट अब देर आर डिफरेंट पैथोलॉजीज विच आर गोइंग टू बी देयर एंड यू शुड नो अबाउट के कौन सी पैथोलॉजी कहाँ पे होती है

आपके पास डी हो गया और आपके पास आ, लो, न, मतलब डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू लोब्यूलर कार्सिनोमा लोब्यूलर कार्सिनोमा मीन जो मेनली हैं वो इधर होंगे उसके अलावा कार्सिनोमा के अलावा कार्सिनोमा के अलावा आपके पास फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस है वो भी टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर चेंजेस में होंगी राइट सो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वट आर द वेग लोकेशन यू शुड नो अबाउट द लोकेशन उसके अलावा जो स्ट्रोमा था दैट वाज अ स्ट्रक्चरल पार्ट स्ट्रोमा में आपके पास फाइब्रो एडीन हो सकता है या फाइलोइड टूमर हो सकता है सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड डिफरेंट ट्यूमर व्हेन यू विल थिंक अबाउट द ट्यूमर देन यू विल हैव टू सपोज द एरिया के वो किधर हो रहा होगा इफ यू थिंक अबाउट द फाइब्रो यू शुड रिमेंबर दैट द स्ट्रोमा इज इनवॉल्व इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द कार्सिनोमास और फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस यू विल अबाउट टर्मिनल डक्टल लोबुलर यूनिट एंड इफ यू थिंक अबाउट द कंडीशंस ऑफ़ द ब्रेस्ट या पेगस डिजीज तो फिर आप इसको सोचोगे फर्दर वन बाय वन हम सारी डिजीजेस देखेंगे ओके okay? और आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वेरी हाई फॉर द एग्जाम क्वेश्चन और आप लोग जो देखोगे आगे वो ये होगा कि जब भी आपको स्नेरियो दिया होगा स्पेशली रिलेटेड टू द कार्सिनोमा तो उन्होंने कहा होगा कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा के बाद स्किन रिट्रैक्शन हुई है यू नो दैट इन द ब्रेस्ट कार्सिनोमा देर विल बी द स्किन रिट्रैक्शन वाई बिकॉज देर आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स इन द ब्रेस्ट सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ब्रेस्ट के अंदर ओके okay? जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं ना uh, इनको जब कैंसर के सेल्स लिगामेंट्स पड़े हुए थे और ये रिट्रैक्ट हो गए ऐसे रिट्रैक्ट होंगे तो वो ऊपर से स्किन को भी अपनी तरफ खींच के ले जाएंगे सो इन दर्सिनोमास वाई वाई दिस स्किन बिकॉज ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स को इन्वेट जब करते हैं जब कैंसर लिगामेंट को इनवेट करते हैं रिट्रैक्ट तो करते हैं तो ये आपने याद रखना है कार्सिनोमा के अंदर स्किन रिट्रैक्शन का जब आप वर्ड सुनोगे थिंक सस्पेंसरी लिगामेंट्स गेट इन्वॉल्व ड्यू टू विद स्किन हैपनिंग सो इफ यू सी द नॉर्मल ब्रेस्ट सो इट विल हेल्प यू टू सी दबनॉर्मेलिटीज आपको पता है एडिपोज टिश्यू होता है फैट होता है फैट इज द टिश्यू आपको ये फैट नजर आ गया उसके अलावा ब्रेस्ट के अंदर लोब्यूल होते हैं आपने लोब्यूल्स देखें डिफरेंट लोब्यूल जो कि लो बनाते हैं उसके अलावा डक्ट्स होती हैं ओके सो डक्ट्स होती हैं आपने डक देखी, देखी ब्रेस्ट के अंदर होती है उसके अलावा क्या होते हैं एसिनस एसीन, होते हैं ओके एसिनस होते हैं एक लोब एसिनस होते हैं लोब्यूल के अंदर ओके

तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कौन सी चीज कहाँ पे क्या इफेक्ट डालती है राइट सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड नो नेक्स्ट इफ यू मूव फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू सी द फाइब्रोसिस्टिक फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस चेंजेस दिस इज इज कंडीशन वेरी हाईस्ट इन डिफरेंट एग्जाम्पल कैन बी आज ये आपको इसके अंदर क्या क्या पता होना चाहिए आपको पता है कि आपके पास ब्रेस्ट के अंदर नॉर्मल ग्लैंड्स होते हैं ओके okay? और लॉब जो पड़े थे और उसके अलावा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर uh, मेंटेनेंस के लिए स्ट्रोमा होता है दैट इज अ नॉर्मल वन राइट फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस के अंदर आप पढ़ सकते हो कि इसमें सिस्टिक है सिस्ट बन रही है और उसके अलावा जो आस पास जो स्ट्रोमा है वहां पे हो सकता है जो स्ट्रोमा था स्ट्रक्चरल यूनिट वो उसका फाइब्रोसिस हो रहा होगा सो so आपने देखना है इसमें फाइब्रोसिस होगा और आपको सिस्टिक चेंजेस मिलेगी दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट तो आप देखते हो कि इसमें सिस्ट बनती हैं, सिस्ट विद बन सकती हैं, तो इसके है अंदर का मटेरियल आसपास के एरिया जो आसपास पास स्ट्रोमा है उसको इनवेट करेगा व्हेन दिस सिस्ट गेट रपच्चर्ड तो ये आस का जो नॉर्मल फंक्शनल स्ट्रक्चरल एरिया स्ट्रोमा था उसको इन्वेट करेगा स्ट्रोमा को डैमेज करेगा जब स्ट्रोमा डैमेज होगा तो स्ट्रोमल फाइब्रोसिस होगा सो सिस्टिक जब सिक्चर तो साथ वाला स्ट्रोमे का मसला स्ट्रोमा की इन्फ्लमेशन तो स्ट्रोमल फाइब्रोसिस हो गया उसके अलावा आपको क्या मिलता है आपको एडिनोसिस मिलता है जो ऐसी उनका वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं राइट सो यू कैन फाइंड द एडिनोसिस और आपको एपोक्राइन मेटाप्लेजिया मिलता है जो एपीथीलियल सेल्स होते हैं एपिथीलियल सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं ब्रेस्ट में मेंियल सेल्स का मेटाप्लेजिया हो जाता है कन्वर्ट हो जाते हैं एपोक्राइन उनका उनकाज्म ज्यादा हो जाता है आपको पता है एपोक्राइन जो के जैसे स्वेट होते है, स्वेट होते हैं। तो जो एपिथीलियल सेल्स है, उनकी उनका मेटा हो है इस डिजीज तो वन इज सिस्ट रप्चर तो उसने स्ट्रोमा को इनवेट किया इनफ्लेम किया तो जो आपके पास स्ट्रोमल फाइब्रोसिस हो गया उसके अलावा जो एसी नाई थे अंदर एसी नाई बहुत ज्यादा ग्रो कर गए एडिनोसिस हो गया और उसके अलावा जो एपिथी सेल्स से वो कन्वर्ट हो गए उनका मेटाप्लेजिया हो गया वो एपोक्राइन उसको कह देंगे सो दिस इज मोस्ट कॉमन इन प्री मेनोपोजल वाली मेनोपोजल वोमन बिनाइन प्री मेनोपोजल और जो आपके पास होती है कार्सिनोमा वाली चेंजेस जो चेंजेस दे यूजली हैपन पोस्ट मेनोपोजल सो ये भी आप लोगों को डिफरेंट जगह पे देखने को मिलने वाला है

इस इसमें आपके पास जो है आपने देखा सिस्ट होती है ओके दिस इज अ फ्लूड फिल्ड सिस्ट और इसके अंदर हेमरेज वगैरह भी हो सकता है इसमें ब्लू इस, इसकी अपेयरेंस जो ब्लू सी होती है जब आप आ, इसकी बायोप्सी लेते हो ओके सो इसलिए ब्लू डोम आ जाता है ड्यू टू हेमरेज इट कैन हैपन उसके अलावा पेपलेरी एपोक्राइन मेटाप्लेजिया जिसके अंदर मेटाप्लेजिया होता है उसके अलावा इसमें स्ट्रोमल फाइब्रोसिस होती है जब सिस्ट स्ट्रप्चर होगी तो स्ट्रोमा इनफ्लमेशन होगी स्ट्रोमल फाइब्रोसिस होगी सो रिस्क ऑफ कैंसर नहीं ये करवाती ओके रिस्क ऑफ कैंसर नहीं करवाती इसकी एक और फॉर्म है दैट इज एडिनोसिस, सिक्लीडोजिंग एडिनोसिस वाले में क्या होता है ये एडिनोसिस है कि जो ग्लैंड है एसिनाया वो बहुत ज्यादा होते हैं अगर पहले ऐसी दो दे तो इसमें ऐसी बहुत ज्यादा होंगे So, इस के अंदर इसमें भी, हो तो हो इस भी कैल्सिफिकेशन होती है इसमें स्लाइट इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर होता है और उसके अलावा आ सकता है एपिथीलियर हाइपरप्लेजिया सो एपीथीलियम जो होती है एपीथीलियम एपिथीलियर सल्स जो ब्रेस्ट के अंदर होते हैं उनका अगर जो आपके पास सेल्स इन द टर्मिनल डक्ट और लोबुलर एपिथीलियम में होते हैं जो डक्ट के अंदर होते हैं और जो लोब के अंदर जो सेल होते हैं जो जिसने उसकी एपिथेलियम बनाई होती है उसका अगर हाइपरप्लेजिया हो जाए आ, ये भी इंक्रीज रिस्क कर सकती है कार्सिनोमा का राइट right? सो so ये भी इंक्रीज कर उसकी आ, अगर आपके पास आ, हो जाए हाइपरप्लेजिया हो जाए

के आपके पास इतनी सी जगह पे देखो प्रोलीफ्रेशन ऑफ एसिनाई कितने ज्यादा एसिनाए आ गए सो देर इज अ प्रोलीफ्रेशन ऑफ इन इफ यू सी दैट एसिना स्ट्रोमा कंप्रेस्ड स्ट्रोमा था स्ट्रोमा का फाइब्रोसिस हुआ उस फाइब्रोसिस ने इन एसिनाय को क्या किया इन एसिनाई पे प्रेशर किया और इन प्रेशर की वजह से एसिनाई कम्प्रेस हो गए सो so, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए जब एसिनाई कंप्रेस होंगे साइड पे प्रेशर से तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएंगे सो हेयर एवरी थिंग इज क्लियर सो मुझे बताएं कि यहां तक आपको क्लियर हो गया वर देंड हेयर इन दिसं नॉर्मल जब रपच्चर होगी वो स्ट्रॉमल फाइब्रोसिस उसके अलावा जो एसी नाई है वो ज्यादा हो जाएंगे तो ये एडिनोसिस होता है ऐसी ना का नंबर अगर इंक्रीज कर जाए और जो एपिथीलियल सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे Uh, आपके पास एपिथीलियल सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे एपोक्राइन मेटाप्लेजिया करवा देंगे सो दिस इज व्हाट फाइंड इन द फाइब्रोसिस्टिक यू शुड नो अबाउट दैट दैट दिस इज इज बायलैटरल इसमें लंपी बंपी ब्रेस्ट होती है दिस इज जस्ट अ टर्म जो लंपी बंपी ब्रेस्ट होती है इसके अंदर बिसाइड दिस आपको जो फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस के अंदर ब्लू डोम मिलेगा ओके okay? यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ना ब्लू डोम सो ये मिलेगा बाकी जो चेंजेस है वो मैंने आपको बता दिया आपको पता है फैट होता है सो so फैट अगर डैमेज हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू सम्रोमा ट्रोमा होगा फैट ग्लोब्यूल फट जाएंगे वेन देर विल बी द रप्चर ऑफ द फैट लोब्यूल्स नेक्रॉसेस हो जाएगा सो so जब फैट ग्लोब्यूल्स फटेंगे रपच्चर होंगे तो आस पास एरिया में क्या करवाएंगे इन्फ्लामेशन करवाएंगे इन्फ्लामेशन की वजह और अलावा जब फैट लॉब्यूल फंटेंगे वहां पर जो एरिया आस पास इन्फ्लामेशन होगी वो एरिया डैमेज हो जाएगा देखो ना सिंपल सी बात है कि कोई ट्रॉमा हुआ उससे फैट लोब्यूल्स रप्चर हुए फैट लोब्यूल जब रप्चर होते हैं तो वो आसपास एरिया में इंफ्लामेशन करवाते हैं इंफ्लामेशन जब साथ वाले एरिया के अंदर होती है तो वो एरिया डैमेज होता है जब वो एरिया डैमेज होता है तो वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन सिंपली जिसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं आई थिंक सो सो so, इसके अंदर आपको क्या होगा डैमेज डिपोसाइड जो है फैट सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है लिपिड लेयर मैक्रोफेजेस आपको पता है इन्फ्लामेटरी सेल्स आएंगे उसमें मैक्रोफेजेस आएंगे वो जब मैक्रोफेजेस भी आएंगे तो मैक्रोफेजेस फ्यूचर में जॉइंट सेल बन जाते हैं नो कन्वर्टेड इनटू जॉइंट सो so, इसके अंदर क्या होगा डिपोसाइड डैमेज होंगे मैक्रोफेजेस आएंगे पे और वो बन जाएंगे सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द पैथोलॉजी ऑफ दिस फैट नेक्रोसिस इट इज ऑल्सो बी यूजुअली पेनलेस कंडीशन लंप ड्यू टू द इंजरी ऑफ द ब्रेस्ट यूजुअली इंजरी होती है फॉर एग्जाम्पल ट्रामा हो जाए यहाँ पे फॉर uh, एग्जाम्पल uh, कोई uh, क्रिकेटिंग की बॉल लग जाए या कोई भी किसी भी चीज से ट्रोमा हो जाए

जमाट स्टेस दिस इज द इम्पोर्टेंट दाई शूड नो अब यू विल है मैमेरी डक एक्टेरिया में क्या होगी डायलेशन हो जाएगी सब एलियोरियल डी जो ये डक्ट है ना सब एर एरियोलर डक है जो एरियोला के पीछे डक्ट है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी ड्यू टू द फाइब्रोसिस ड्यू टू द फाइब्रोसिस ओके डायलेशन ड्यू टू द इन्फ्लामेशन एंड द फाइब्रोसिस डक्ट में अगर डैमेज होगा इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस की वजह से डायलेट हो जाएगी सो मेमरी डक टेक्टेरिया में डायलेशन ऑफ द सब एरियोलर एरियोलर सब एरियोलर डक विद इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस तो अगर आप इसके अंदर देखोगे मेमोरी में तो ये डक्ट की डायलेशन हो गया उसके साथ uh, है उसके अंदर साथ इन्फ्लामेशन अब देखो इन्फ्लामेशन हुई, हुई है और डक्ट uh, हमारे पास फाइब्रोसिस और इन्फ्लामेशन की वजह से एक तो इन होगी एक तो ये uh, यूजली yeah, इसकी जो हाईस्ट थिंग यू शुड रिमेंबरिंग दिस इज आस्क्ड

उसकी इन्फ्लामेशन होगी तो वो निप्पल को रिट्रैक्ट कर सकते हैं इन्वर्ट कर देंगे निप्पल को और पेरी एलियोरल मैथ जो एरियोल एरियोला वाला एरिया वहां पर मैथ फील होगा सो दिस इज वेरी 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 सिंपल

So I hope here up till now everything is clear. You can tell here in the chat section. Now if you move forward and we will see the benign tumor. So benign tumor made the very high thing, yield think that these are very commonly asked in the MCQs question. These are very commonly asked in the MCQs question. Either is fibroid adenoma, either is introductory papilloma, either is phylloid tumor. You should know about the various things of this fibrous adenoma and the phylloid tumor. You.

Uh, size mass है और ये इसके एक इंपॉर्टेंट चीज है इंक्रीज एस्ट्रोजन जब आपके पास होता है ना जब ज्यादा एस्ट्रोजन होता है एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो ये टेंडर हो जाता है और ये साइज इंक्रीज कर जाता है सो so, एस्ट्रोजन कब इंक्रीज होता है यू नो जस्ट बिफोर द ओव्यशन ओवलेशन से पहले एस्ट्रोजन अपनी पीक पे जाता है

सो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर यू सी द स्ट्रोमा दैट इज स्ट्रक्चरल पार्ट यू सी द डक्ट्स उसके अलावा आपने ऐसी नाई देखे थे कि एसी नाई प्रेजेंट होते हैं राइट ऐसी नाई प्रेजेंट होते हैं जो आपके पास लोब्यूल्स होते हैं वहाँ पे ऐसी नाई प्रेजेंट होते हैं राइट सो स्टोमा स्ट्रोमा इसमें ज्यादा हो जाएगा हमने कहा था कि फाइब्रो एडीनोमा में स्ट्रोमा इंक्रीज होता है तो ये देखो यहाँ पे अब स्ट्रोमा बहुत ज्यादा हो गया जब स्ट्रोमा ज्यादा होगा तो वो क्या होगा स्ट्रोमा ये क्या कहते हैं इन सारी चीजों को कंप्रेस करेगा क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा हो गया तो ये इनको कंप्रेस कर देगा सो so, ये डग जो थी वहां पे जो डक्स पड़ी थी उसको कंप्रेस कर देगा सिंपली स्ट्रोमा आस पास स्ट्रोमा बहुत ज्यादा हो गया वो जो सेंटर वाले सारे स्ट्रक्चर है उनको कंप्रेस कर रहा है तो ये डक्स थी स्ट्रोमा की प्रोलिफ्रेशन हुई है तो इसने डक अपने बीच में दबा दिया तो ये हो जाएगी सो स्ट्रोमल प्रोलिफ्रेशन और कंप्रेस द सो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग प्रलिफेशन सो फाइब्रो एडिनोमा के अंदर ट्यूमर कंपोज ऑफ द फाइब्रस टिश्यू एंड द ग्लास फाइब्रस टिश्यूज होते हैं और उसके अलावा ग्लैंड uh, uh, होते हैं फाइबर है that is a fibrous tissue. और इसके अलावा आपको, आपको मिल जाएंगे जो ये ग्लैंड है और इसके अंदर जो साइज है वो इंक्रीज होता है और टेंडेस इंक्रीज होती है एस्ट्रोजन जैसे प्रेगनेंसी से पहले और मैं पहले रिस्क ऑफ द कैंसर इज नॉट यून इंक्रीज यूल फाइंड दिस स्टोमा इन द केस ऑफ फाइब्रो एडिनोमा फाइब्रोडिनोम

तो मैंने आपको कहा था डक्ट के अंदर ज्यादातर लेकिन कंडीशंस होनी है सो so, डक्ट के अंदर वो कंडीशंस होंगी जो कि आपके पास निप्पल से डिस्चार्ज करवाएगी निप्पल डिस्चार्ज होगा ओके सो निप्पल डिस्चार्ज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट हाई कंडीशन इज इंट्राडर्मल इंट्राडक्टल सॉरी पेपिलोमा सो इंट्राडक्टल पेपिलोमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द निप्पल डिस्चार्ज यू शुड नो अबाउट दिस थिंग ये करवाती है उसके अलावा आपने देखा और में, में भी हो सकता है और मेमोरी जो अभी तक देख चुके हो उसके अंदर भी होता है सो so, की अभी कंडीशन आप लोग देख चुके हो स्ट्रोमा में आप देख चुके हो फाइब्रो एडिनोमा और फाइलोइ ट्यूमर राइट स्ट्रोमा जो स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ सो हेयर अगर इफ यू सी अगेन अगर यहाँ पे आप लोग को दोबारा से दिखाई जाए आ, आ, इसके अंदर

बिकम मिलिंग सो यू नो अबाउट द लीप लाइक आर्किटेक्चर यू विल थिंक अबाउट फायलोइ से होता है फ्रॉम दिस प्रोमा Then you know about the gynecomastia. The gynecomastia happens, breast enlargement happens in the male. Uh, male may breast enlargement. Hogi? Male mein normal hormone is testosterone. Testosterone hati. or male may uh, you are going to see in a lot of conditions when there is breast enlargement, breast enlargement male can understand it is due to the estrogen, right? So, due to the increase in the estrogen, there will be the breast enlargement in the case of the males. सो ब्रेस्ट एंडलार्जमेंट इक्रीज एस्ट्रोजन कम्पेयर विद्रोजेनिक एक्टिविटी सो मेल के अंदर टेस्टोटीरोन है और एस्ट्रोजन है अब इनकी एक्टिविटी में अगर टेस्टोस्टिरन डोमिनेट करेगा तो ब्रेस्ट इन लार्जमेंट नहीं होने देगा लेकिन अगर टेस्टोटीरोन है यानी एंट्रोजन है और एस्ट्रोजन है सो अगर एंट्रोजन आपके पास रेलेटिवली कम है और एस्ट्रोजन ज्यादा है तो इट कैन कॉज द ब्रेस्ट एंड लार्जमेंट राइट सो यू शेड नो अबाउट द कंडीशन फिजियोलॉजिकल इन द न्यू बॉर्न न्यू बॉर्न के अंदर अभी टेस्टोस्टिरोन प्रोडक्शन नहीं होती फिर बर्टर एंड फिर ओल्ड मेल्स के अंदर ओल्ड मेल्स के अंदर इज

जो है वो एस्ट्रोजन को तोड़ती है अगर लिवर में सिरोसिस हो गया तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करेगा अदर थिंग यू ऑल्सो नो दैट देर इज द सिरोसिस राइट सो आपके पास uh, जो एस्ट्रोजन है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन इन द केस ऑफ द सिरोसिस सो इट कैन कॉज इट कैन कॉज गायन एकोमेस्टिया इफ दैट इज एस्ट्रोजन इंक्रीज इन द मेल और हाइपोगेनेटिज्म जैसे क्लाइन फिल्टर है इसमें टेस्टीज नहीं होता है टेस्टोस्टीरोन लेवल कम होता है सो देर हाइपोकनोडिज्म जिस केसेज में होता है वो गायन एकोमेस्तिया करवा सकती है एनी डिजीजेज एनी डिजीजेज वेयर यू विल फाइंड वेयर यू विल फाइंड दैट द टेस्टोस्टीरोन इज नॉट एक्टिंग और एंड्रोजन आपके पास रेलेटिवली कम है एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया एस्ट्रोजन अब डोमिनेटिव हो गया रेलेटिवली तो पेय डाइनाकोमेस्टिया हो सकता है के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे इस ड्रग कैन कॉज द आपके पास गाइनेकोमेस्टिया बिकॉज ये एंड्रोजन रिसेप्टर जो है जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन ने काम करनी है उसको जाके ब्लॉक कर सकती है राइट सो यू सी दिस एज वेल इफ़ यू मूव टूअर द नॉन इन्वेसिव कार्सिनो देर इजटर कार्सिन इन दाइटो इन द लोबल कार्सिनोम इन साइटो साइटू मीन्स इन साइटो मीन्स इट्स आपको पता है अभी कार्सिनोमा ने अगर बेसमेंट में ब्रेन अगर बेसमेंट में ब्रेन को इनवेड नहीं किया तो डक्टर कार्सिनोमा जो डक्स के अंदर होगा तो डक्टर कार्सिनोमा इन साइटू होगा अगर लोबुलर कार्सिनोमा को अभी बेसमेंट में ब्रेन को उन्होंने इन्वेट नहीं किया था लोबुलर कार्सिनोमा साइट टू जैसे बेसमेंट में इन्वेट कर देगा ये कार्सिनोमा साइट टू तो ये डक्टल कार्सिनोमा में बदल जाएगा और बेसमेंट में लोबुलर कार्सिनोमा साइट टू जैसे ही इन्वेट करता है तो लोबुलर कार्सिनोमा में बदल जाएगा सो डक्टल कार्सिनोमा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो ये डक्ट है ना डक्ट के अंदर फिर डक्टल डकटलिन Uh, आपके पास विद न्यू प्लास्टिक सेल्स और इन गोर्ज वेसल सो इफ यू सी हेयर डक्टल कार्सिनोमा हेयर यू हैव द पिक्चर फॉर द डक्टल कार्सिनोमा राइट सो डक्टल कार्सिनोमा के अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हो

डर कार्सिनोमा इन साइट टू बट विल इनवेड द बेसमेंट मे इट विल कन्वर्टेड टू द डक्टल कार्सिनोमा एंड यू डू नॉट प्रोड्यूस प्रोड्यूस मैस इसमें मैस नहीं होता सो यू किडी बहुत लेटेस्ट स्टेजेस पर जाके इस कार्सिनोमा का पता लगेगा सो राइट हेयर अपटिल ना एवरीथिंग इज क्लियर तो नेक्स्ट थिंग यू शूड नो अबाउट दैगर्स डिजीजन इन द केस ऑफ द डर कार्सिनोमा डॉक्टर कार्सिनोमा में ही आपको पैगेट डिजीज अक्सर मिलेगी सो यू विल सी यू हैव एक्चुअली सीन बिहाइंड के आपको पास जो डक्ट है डट लेफेरस डे होते हैं वो बाहर आ कर निपल में ओपन होंगी सो पैगट डिजीज में क्या होता है वो वहाँ से जो कैंसर सेल होती है डीनो कार्सिनोमा सेल विद इन द एपीडर्मस वहाँ पे एपीडर्मस तक आ जाते हैं ज एसोसिएटेड विद द कैंसर ओके सो अगर मेमरी पैगर्स डिजीज के अंदर देखो तो वो जो सेल्स बाहर आ रहे हैं ना ये न्यो प्लास्टिक सेल्स यहाँ पे जो एडिनो कार्सोनोमेटिस सेल्स है वो बाहर आके निपल वाले एरिया पे रेडनेस करवाएंगे वहां पे अल्सरेशन करवाएंगे वहां फ्लेक्स बना देंगे ओके सो दैट यूजली इन द द केस ऑफ कार्सिनोमा राइट सो इफ यू सी बिहाइंड आप देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ द अंडरलाइन डक्टल कार्सिनोमा इन साइट और द ब्रेस्ट कैंसर ऑफ द लेक्टिफेरस ड्रगेटिफेरस ड्रग्स आपको पता है यू नो दैट लेक्टिफेरस ड्रग्स आर गोइंग टू ओपन इन द दिपल्स सो वहां से वो लेक्टिफेरस ड्रग्स से घूमते 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 वो बाहर आ जाएंगे और बाहर स्किन को आके इन्वेट करेंगे एंड इनटू द कंटेगियस स्किन द निप्पल उसको एक्जिमेटस कर देंगे वो ड्राई कर देंगे उसको इन्फ्लेम कर देंगे ओके वहां पे उस पार्ट में सो so, इसमें इंट्रा एपिथीरियड एडिनो कार्सिनोमा सेल्स होते हैं दिस इज़ वेरी हाई एड एंड दिस इज द एमसीक्यूज क्वेश्चन दिस इज द बज वर्ड यूज इन द डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चन सो यू शूड नो अबाउट इट इन द लोब्यूलर कार्सिनोमा वन थिंग यू शुड नो अबाउट इज इन द लोब्यूलर कार्सिनोम यू रिमेंबर एनी थिंग और नॉट वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देर इज ई क डर एक्सप्रेशन जो आपके पास लोब्यूल्स होते हैं दे आर लाइकली

किसी पेशेंट के तो पता लगता है कि यार इसको डर कार्सिनोमा तो नहीं है देन व्हेन इन्वेस्टिगेशन यू कैन फाइंड द माइक्रो कैल्सिफिकेशन सो माइक्रो कैल्सिफिकेशन इज हाई फॉर द कार्सिनोमा कार्सिनोमा डोंट हैव माइक्रो कैल्सिफिकेशन वन थिंग यू शुड नो अबाउट द लॉब्युलर कार्सिनोमा इज डिक्रीज ई एक्सप्रेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर इन आइदर ब्रेस्ट ओके आप को ये इंपॉर्टेंट चीजें पता होना चाहिए कि इसमें मैथ में कैल्सिफिकेशन ऐसा सच नहीं होती और आपके पास अगर ये एक ब्रेस्ट का हो तो ये दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर के चांसेस को इंक्रीज कर देती है राइट अः जबकि डीसीआई सेम ब्रेस्ट के अंदर ही कार्सिनोमेटस पोटेंशियल को इंक्रीज करता है ये डिफरेंट में भी कर सकती है सो इसमें द हाइय थिंग यू शुड नो अबाउट द कार्सिनोमा नो माइक्रो कार्सिनोमाइक्रोकैल एंड द इम्पोर्टेंट थिंग एल सी आई टेक्स ई ई कडेरियन आपको पता होना चाहिए जो कोहेगन सेल्स कोहेगन प्रोटीन होती है वो इसके अंदर नहीं होती सेल्स को हेयर नहीं रहते एक साथ जुड़े नहीं रहते सो राइट सो वी स्टडी नाउ अबाउट दिज कार्सिनोमा देन देअ इनोवेसिव कार्सिनोम कार्सिनोमास के अंदर आ जाते हैं डक्टल डक्टल का भी इन पड़ा था अभी बेसमेंट में ब्रेन इनवेड नहीं वंस द ओके सो इनवेसिव में क्या है ये फेम होते हैं जो आपको पता है है ये इनवेसिव जो फेम्स होते हैं हार्ड लाइक फाइब्रस होंगे फाइब्रस हो रॉक हार्ड विद शार्प मार्जिन स्मॉल ग्रैंडुलर डक्ट लाइक सेल्स डक्टल कार्सिनोमा सो डक्ट लाइक सेल्स एंड द डेस्मो स्ट्रोमा सो ये अब इन वेट कर रहे हैं हार्ड हो गया सख्त हो गया अब मैस के फॉर्म में पता लगेगा लाइक डक्टल कार्सिनोमा इन साइट टू जब था लॉकडा कार्सिनोमा इन साइट टू था वो यूजली नहीं पता लगता था एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग डक्टर कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन बेस्ट

सो वन थिंग यू शूड नो दैट द लोबुलर कार्सिनोमा कैन बी बाय्रल वे डॉक्टर कार्सिनोमा इज यूजली यूनि एट्रल सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर अगर ये आप लोग को पता होंगे तो आपको याद रहेगी चीज़ें सो डटर कार्सिनोमा के रिलेटेड आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए इसमें डक्स में है विद इन द डक्ट रहता है अगर इन्वेट करें तो इन्वेसिव डक्टर हो जाएगा रॉक लाइक मैस है डक्स है कैल्सिफिकेशन है इसके अंदर इन्वेसिव लोब्युलर या लोब्युलर सिंपल इनसाइटू हो तो लॉब्युलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ई कटहरिन का एक्सप्रेशन कम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इस बायोट्र next is inflammatory part in inflammatory, upload uh, vector. so inflammatory is uh, very poor prognosis. inflammatory cancers of the breast are very poor in prognosis. so usually patients uh, have very less five years survival rate in this. so up is kind the highest thing you should remember. in the inflammatory carcinoma, there is the invasion of the lymphatic vessels and there is the invasion of the axillary lymph nodes as well. if i show you the diagram, so in the inflammatory diseases of the in the inflammatory breast cancer i am just i am indicating that we are talking about the cancer not just the inflammation of the breast which can happen in the mastitis we are discussing about the inflammatory breast cancer so in the inflammatory breast cancer they involve the lymph node they involve the axillary lymph, node. so lymph nodes so the axillary lymph nodes involving they get enlarged besides this there is erythema orange, and edema there is actually the lymphatic obstruction जो लिम्फेटिक्स जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी ना तो उसकी वजह से लिम्फ नोड्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे एक तो इन लार्ज लिम्फ नोड्स हो गए एक्सरी लिम्फ नोड बिसाइड्स और लिम्फेटिक सप्लाई लिम्फेटिक सप्लाई

इन्फ्लेमेशन कॉज वॉर्मनेस इन्फ्लेमेशन इज स्वलन वहाँ पे इन्फ्लेमेशन में रेडनेस होती है और याद रखना इन्फ्लामेशन में रेडनेस होती है तो so इसमें जो रेडनेस होती है दैट इज एक्चुअली प्यूर ऑरेंज इट इज वेरी प्यर प्रोग्नोस्टिक एंड ऑफन मिस्टेक फॉर और द दैगर्स डिजीज ये मिस्टेक कर, होती है मेस्टाइटस मैंने बताया था मेस्टाइटस इज अ सिंपल इन्फ्लामेशन विच कैन हैपन वेन अ बेबी सकलिंग सो वहां पर स्टेप ऑरियस मेस्टाइटस करवा सकता है बट मेस्टाइटिस इज इजिली ट्रीटेबल यू जस्ट हैव टू गिव द एंटीबायोटिक एंड यू आर गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट बट इन्फ्लमेट्री बेस्ट गोइंग टू बी वेरी हैजर्डस

So, if you remember about this thing, then it will be very easy for you to pick the patient, right? सो देर आर डिफरेंट हिस्टोलॉजीज विच यू शुड रिमेंबर अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है ए टिपिकल सेल्स इन इनफिल्ट्रेट द निपल स्किन को इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं ए टिपिकल सेल्सू नो दैटस डिजीज इज वन जिसमें ए टिपिकल सेल निपल स्किन को इनफिल्ट्रेट करते थे इफ़ यू रिवाइज ए सिस्ट लाइन विद मेटा प्लास्टिक एपोक्राइन सेल्स मेटाप्लास्टिक एपोक्राइन सेल्स इन द वेरी बिगिनिंग वी स्टडीड फाइब्रोसिस्टिक के अंदर होते थे फिर उसके बाद वो कहता है एपीथीलियल सेल लाइनिंग द फाइब्रोवेस्कुलर कोर इसमें एपीथीलियल सेल सेल्स लाइन करते हैं फाइब्रोवेस्कुलर कोर को ये दैट इज इंट्रोडक्टर पेपिलोमा द द थिंग दे विल ऑलवेज गिव द हिंट ऑफ द जिस डिस्चार्ज इज वेल सो इसके अंदर आपने ये चीजें याद रखनी so है नेक्रोटिक विद द द इन्फ्लेमेशन सो दैट विल हैपन इन फैट नेक्रोसिस जब नेक्रोसिस हो जाता है फैट सेल्स का और वो इन्फॉर्मेशन करवाता है आसपास

here up till now everything is clear about the breast because we are almost done with the breast portion right okay so if i open this reproductive system ka so higher things i am going to tell you at the moment right so if we see the reproductive system ki breast uh, pathology you should know about व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्रेस्ट उसके अंदर क्या क्या होता है उसमें इलेक्टीफेरिस ड्रग्स और लोब्यूज के बारे में याद रखना है लोब्यूज के अंदर आपने देखा कि ऐसी नए होते हैं आ...

मेनोपोजल वूमेन के अंदर होगी एस्ट्रोजेंट डिपेंडेंट होगी स्लिट लाइक इसके अंदर बाकी जो डक्स हैं वो हो जाएगी राइट इंट्राडक्टल पेपिलोमा के अंदर फाइब्रो एपिथीलियल ट्यूमर है स्मॉल फाइब्रो एपिथीलियल ट्यूमर और इसके अंदर क्या डिस्चार्ज होता है दैट इज इंट्राडक्टल पेपिलोमा इंपॉर्टेंट लेटर एजेस के अंदर होता है अलोंग लीफ लाइक होती हैं गाइनेकोमेस्टिया जिन इन केसेस में एंड्रोजन एस्ट्रोजन का लेवल में वेरिएबिलिटी आएगी कि एस्ट्रोजन अगर मेल में ज्यादा हो जाएगा तो इट कैन कॉल गाइनेकोमेस्टिया राइट सो ब्रेस्ट कार्जिनोमा के अंदर अगर आप फर्दर ये भी देखते हैं आ, राइट सो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है कुछ आपको पता होना चाहिए कॉमनली जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा इट्स इन द पोस्ट और इसमें हार्ड मास होता है मोस्टली जो अपर आउटर क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होता है ओके okay? सो so, जब इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है जब तक इन साइट होता है आपको मैस नहीं फील होता जब इन्वेड होता है तो इन्वेड हो आस पास इन्वेजन कर सकता है इट कैन ऑल्सो इन्वेड इन द पेक्टोडेलिस मेजर मसल जो कि नीचे प्रेजेंट है और ये लिगामेंट ऑफ uh, कूपर या अगर सस्पेंसरी लिगामेंट को रिट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से इन द केस ओके आपके पास उसके अलावा इसके अंदर जो आप देखते आप ER, और हर देखते हो अगर ई आर नेगेटिव है पी आर नेगेटिव है हर्ड नेगेटिव है हर टू नेगेटिव है, है अगर ये सारे रिसेप्टर नेगेटिव हो तो इट्स एग्रेसिव कार्सिनोमा और अगर इसमें आ, मतलब एस्ट्रोजन रिस्पॉन्डिंग है ई आर ER में एस्ट्रोजन आ गया पी में प्रोजेस्ट आ गया या अगर ये पॉजिटिव होते हैं मतलब ये एस्ट्रोजन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और प्रोजेस्टिरोन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो अगर आप उनको कम करोगे आप एस्ट्रोजन के एंटागुनिस्ट दोगे और प्रोजेस्टिरोन के एंटागुनिस्ट दोगे तो यू कैन प्रिवेंट द बेस्ट कैंसर मीन्स ये हॉर्मोन्स का अफेक्ट की वजह से कार्सिनोमा इंक्रीज कर रहा है तो इफ यू यू गिव द एंटागोनिस्ट ऑफ दीज हारमोन यू कैन प्रिवेंट दिस कार्सिनोमा ई आर नेगेटिव और पी आर नेगेटिव का मतलब है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरोन को अगर रोक भी दोगे ना फिर भी ये कैंसर ने डेवलप होना है सो कैंसर इज वेरी कॉमन इन द फीमेल्स फीमेल्स डेफिनेटली इंक्रीज एज और ए टिपिकल हर्प्लेजिया होता है और जो कैंसर है जिसके अंदर हर हर टू पी आर ई आर सब नेगेटिव होना यानी ये किसी चीज से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे दे आर एग्रेसिव राइट टू यू शुड नो अबाउट और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आर द मोस्ट कॉमन वन विच आर यूजली गेट हियर सो यू शुड नो अबाउट दिस एज वेल बिस जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है जितने ज़्यादा साइकल्स होंगे उतना ज़्यादा ब्रेस्ट कार्सिनोमा के चांसेस आई मीन अर्ली मीनारकी और लेट मेनोपोज हो और नली पेरिटी हो यानी प्रेगनेंसी ना हो तो इट कैन कॉज इन कैन कॉज द इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा राइट सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड इन क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम देन एक्ोमेस्टी एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ कार्सिनोमा बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन एक्सपोजर इज वेयर डल कार्सिनोमा इन साइट यू शूड नो अबाउट दैट द डर इनवॉल्व मैथ नहीं फील होता माइक्रोकैसीफिकेशन होती हैं और यही आगे को इन्वेट करके डक्स में जा कर यही आगे डक्स में मूव करके पैगर्स डिजीज करवाता है ग्लोबलर कार्सिनोमा के बारे में याद रखने के ई कडिन का एक्सप्रेशन कम होता है एंड इन्वेसिव डर कार्सिनोमा लॉब्यूलर कार्सिनोमा इसी तरह इन्फ्लेमेट्री कंडीशन में याद रखना है लिम्फेटिक की ऑब्सट्रक्शन होती है विथ कैन कॉल द प्यू डी ऑरेंज राइट सो हेयर अपल ना आई होप एवरीथिंग इज क्लियर वी आर डन विद द ब्रेस्ट पोर्शन ऑफ अवर फर्स्ट एड राइट